नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ आगरा, मथुरा और दिल्ली का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड आलू भल्ला। ये टिक्की की तरह दिखता है, लेकिन ये टिक्की से डिफरेंट होता है और इसके बनाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 10 उबले आलू लिए हैं, अब इनको मैश कर लेंगे। मैं यहाँ आलूओं को पोटैटो मैचर से मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें कोई आलू के चंक्स ना रह जाएं। अब ये अच्छे से मैश हो चुके हैं तो इनमें से आधे मिक्सचर को मैं अलग कर लूँगी। इसका यूज़ हम मसाला बनाने में करेंगे। आलू भल्ले कई तरीके से बनाए जाते हैं, मैं यहाँ स्टफ्ड आलू भल्ला बना रही हूँ। आप चाहें तो बिना भरे सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन स्टफ्ड आलू भल्ले बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैंने मिक्सचर में थोड़ा नमक डाला है, 2 टेबल स्पून अरारोट डाला है। आप चाहें तो अरारोट की जगह मैदा, कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं। अब मैंने थोड़ी सी हरी धनिया डाली है, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। कई बार आलू गीले हो जाते हैं तो आप कॉर्नफ्लावर, मैदा या अरारोट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैंने इस मिक्सचर को सिंपल रखा है, इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। और अब लास्ट में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल को डो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई को गैस पे चढ़ाकर इसमें 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल के गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा डाला है। जीरा के क्रैकर होते ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट जब पक जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। अब मसालों को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है और अब इसके बाद उबले आलू के मिक्सचर को इसमें ऐड कर देंगे। अब आलू को और मसालों को अच्छे से मैश करते हुए चलाएंगे। आलूओं को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। आलू फ्राई हो चुके हैं, आप चाहें तो पनीर की स्टफिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मार्केट में आलू की स्टफिंग ही डाली जाती है। तो अब मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी हरी धनिया डाली है। सबको अच्छे से मिला लेंगे और लीजिए स्टफिंग बनके तैयार है। स्टफिंग बहुत टेस्टी बनी है। तो गैस ऑफ कर देंगे और अब मैंने स्टफिंग को ठंडा करने के लिए वापस उसी बर्तन में निकाल लिया है। मैं इसी कढ़ाई में भल्ले बनाऊँगी, इसलिए इसमें तेल चढ़ा देंगे। आप चाहें तो दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम भल्ले की तैयारी करेंगे। यहाँ ये दोनों मिक्सचर रेडी हैं, तो चलिए भल्ले बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर या मैदा भी लगा सकते हैं। और अब मिक्सचर में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर डो की तरह इसे राउंड कर लेंगे और फ्लैट करके इसके सेंटर में स्टफिंग भर देंगे। और जैसे स्टफ़ पराठा या पूड़ी को फिल करने के बाद क्लोज़ करते हैं, उसी तरीके से क्लोज़ कर लेंगे। बस ये स्टफ आलू भल्ले का शेप तैयार है। अब मैं एक और बना के दिखाती हूँ। हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और मिक्सचर में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर राउंड कर लेंगे, फिर फ्लैट करके उसके सेंटर में स्टफिंग भर के उसे क्लोज़ कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने यहाँ 4 आलू भल्ले तैयार कर लिए हैं, तो चलिए इसे तल लेते हैं। मैंने कढ़ाई में 1/2 कप तेल डाल के तेल को गरम कर लिया है और उसे चेक भी कर लिया है, तेल प्रॉपर गरम है। तो इसमें सावधानी से भल्ले डालेंगे। मैं यहाँ आलू भल्ले को डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मैंने एक साथ 3 आलू भल्ले डाले हैं, आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप उतना ही डालें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं। एक बार के भल्ले भरने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। 1.5-2 मिनट के बाद इसे एक साइड से पलट देंगे। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। और जब ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा, तब हम इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से उलट पलट करके इसे पकाना है। देखिए अभी ये बीच से कच्चा है, तो इसे फिर पलट देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। और अब ये प्रॉपर पक चुके हैं, तो करछी की सहायता से मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है।
तो स्टफ्ड आलू भल्ले तैयार हैं और देखा आपने कितना आसान है इन्हें घर में बनाना। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। जब भी आलू भल्ला सर्व करें इसे इस तरीके से बीच से खोल लें ताकि जो भी स्टफ डालें इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सबसे पहले मैंने धनिया की चटनी डाली है, उसके बाद इमली की चटनी डाली है, दही डाला है, गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, हरी धनिया और ऊपर से सेव डाली है। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं। मार्केट में कई जगह आलू भल्ले के ऊपर छोले भी डाल कर दिए जाते हैं। और अब मैंने दही, चटनी, सेव और इन मसालों को दही भल्ले के ऊपर फिर से अप्लाई कर दिया है जिससे ये काफ़ी मज़ेदार बन गया है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो ऐसे आप भी आराम से घर में बनाकर मार्केट वाले आलू भल्ले के मज़े ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।